तो अभी जैसे जब आप वायरफ एफ़ में देखते हैं जो नई बच्चे आते हैं या जो उस, जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो कैसे उनको कैसे जज किया जाता है या उनके टैलेंट को कैसे परखा जाता है कि भाई ये व्यक्ति टैलेंटेड है या इसको हम ले सकते हैं या इसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है देखिए वी एज अ कंपनी वी बिलीव कि एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं है ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई बंदा कोई स्टूडेंट कोई छात्र जिसको कोई तो एक्सपीरियंस नहीं कि गहरे पानी में फेंक दो हम भी छलांग भी रहें तो वो जो अपनी शोरील जो लोग आपको भेजते होंगे वो कैसे भेजते हैं मतलब क्या क्या बना क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा असाइनमेंट होता नहीं पहले करेक्ट देखिए एक चीज है कि शोरील में क्या दिखाएं क्या बनाएं ये हमेशा मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये बहुत बड़ा डाउट था मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा सब छात्र से कि भाई आप खुली आंखें रख के बाहर जाके देखो जितना रियलिस्टिक आप बना सको दिखा सको एक रेफरेंस लो हुँ. वो रेफरेंस को मैच करो ठीक है थोड़ा कच्चा रहा 19 20 रहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ. लेकिन जितना आप क्लोज जा सको उतना ही बेटर है हुँ. क्योंकि उससे एक गारंटी मिलती है कि भैया मुझे ये इतना इतना आता है hmm. Hmm. और जो नहीं आता हम कहाँ कह रहे कि हमको सब कुछ आता है हम भी तो सीख ही रहे हैं सब लोग इट इज नेवर अ स्टॉप गेम इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और हम बकायदा उनको ट्रेनिंग देते हैं hmm. Hmm. और उनको प्रोडक्शन शॉर्ट्स पे ट्रेनिंग देते हैं hmm.